मार्केट से आने के बाद हिसाब किताब होने लग गया यहाँ पर। इस तरह से सामान है, ये चंद्रा दीदी का है। मेरे नहीं। कौन से पॉट्स? हाँ ये पॉट्स दो मेरे हैं, बाकी गमले। तो हमारा फलाहार रेडी हो चुका है। फलाहार में बने आलू, ये बने हैं केले के, पता नहीं मम्मी ने पकौड़े टाइप क्या बनाए हैं, और ये अरबी जिया जी ने बनाए हैं, पकौड़े दीदी ने बनाए हैं, रायता दीदी ने बनाए हैं, चटनी। तो फटाफट से हम भी फलाहार खा ही लेते हैं। वो गई उठ गई, उठने के बाद नहा धो के किचन में बन रही चाय, और आज एकादशी है, मम्मी तो नहाने गई है। सबसे पहले मैंने नहाया क्योंकि बाकी सारे के सारे लोग अभी सोए हुए, तो मैंने सोचा चाय मैं ही बना लेती हूँ क्योंकि नहा धोली है, तो मम्मी तो नहा धो के चाय पी थी। तो गई जब किचन की साइड जाती हूँ और देखती हूँ कौन कौन उठा है, उस हिसाब से चाय बनेगी। तो गई चाय वाय मैंने सबके लिए बना ली और फटाफट से दे देती हूँ। पापा चाय रख दो इधर। सब सो रखे हैं अभी, मैं तो उठ गई क्योंकि मैं नहा धो के ही चाय पीती हूँ, इसलिए मैंने गीता को भी उठाया। सर में हाथ मत लगा, सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता सर में हाथ लगाए हुए। सभी दोस्तों का शीला पंत का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मेरे बैक साइड का जो व्यू है कुछ डिफरेंट सा आ रहा है। तो यस गाइस, आज हम आए हैं उत्तराखंड देवभूमि और अपने मायके, यानी कि हम अपने आप मायके आए हैं। हमारे यहाँ पर रहते हैं हमारे मम्मी पापा, यहाँ हमारा मायका है, तो यहाँ आए हैं और राखी के लिए आए हैं स्पेशली। और दो तीन दिन की छुट्टी पड़ रही थी ना, कल की 15 अगस्त की और सैटरडे बच्चों की, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने ऑफिस से छुट्टी ले ही लूँ। तो गाइस मैं यहाँ आई हूँ, तो देखिए उत्तराखंड का मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि। उत्तराखंड में आके ना खुद ही मुंह से ना उत्तराखंड वाली फीलिंग आ जाती है। तो भाई ये जो सामने है ना पहाड़, मेरा तो मन हो रहा है कि मैं इस पहाड़ में जाऊँ, पर मैं यहाँ जाऊँ कैसे वो मुझे समझ नहीं आ रहा। अब दीदी जिया जी भैया के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमें यहाँ मम्मी जो है 4:30 बजे उठ गई थी। 4:30 बजे उठने के बाद मम्मी बोलते सुन चाह पीछे, तो ऐसे तो मैं तो बिना नहाए धोए चाय पीती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी नहा लेती हूँ। तो गाइज मैंने भी नहा लिया था 6 बजे, बिस्तर में सबको ही चाय दे दी थी, तो अब जो कि बहू रानी दीदी सब लोग सोए थे सबको चाय दे दी, सबको बिस्तर में पिला दी। तो बहू रानी तो अभी नहाने गई है, और मम्मी ने तो सुबह जब मैंने नहाया उसके बाद मम्मी ने भी नहा लिया था, पापा भी नहाया नहीं है, दीदी गई है नहाने। और तो गाइज चाय वाय पीने के बाद फिर मैं आ गई हूँ छत में, तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह सुबह का व्यू सभी लोगों को दिखाया जाए। और अभी टाइम हो रहा है 6:25, और जो मेरे साथ आपको पता ही है मेरी सिस्टर आई थी गीता मैडम, वो उठने रही थी, कहती मैं चाय नहीं पीऊँगी, तो मैंने उसके गरम गरम मुँह में चाय लगा दी, तो उसको भी फाइनली चाय पी दी ही पड़ी। तो गाइज ये देखिए उत्तराखंड का खूबसूरत, सुबह सुबह बनने लग गई हैं बत्तियाँ, इतनी बत्तियाँ बना ली थी ये, इसको छोड़ तूने मंदिर में देखा मम्मी ने क्या क्या बनाया, नीचे नहीं देखा तुमने किस है देखो मैंने तो नहीं देखा। अच्छा का तो फल बना रखी, और आप तो देखो कि अच्छी भारी दिखा मम्मी, उजा मेरी ये तो मस्त बना रहे, क्या अच्छी हो तमे की का तो फल बना रखी, कितनी अच्छी बनाई यार डिजाइन, तो देख कब कर लेती है मम्मी तो इतना काम है, तो तू कहीं बना रखी नहीं। ये वाले तो हम लोगों को दिए, वही वाली है ना, ऐसे हम लोगों को मम्मी ये तांबे की है, ये तो मस्त भैरस हुई, पर इतनी उम्र में भी तो इतना काम कर लेती है, बहुत बड़ी बात है यार, है ना गीता। सही है, अच्छे बनाए हमने, अच्छा है तुम लोगों ने कल पूजा करी तब वो बना निकाले होंगे। ये चौकी होती है डबल वाली चौकी है, नहीं तो डबल कहते हैं ना इसको, नहीं तो दो चौकी, ये जड़ है, ये ऊपर का है, ऊपर का ये पत्तियां हैं, फूल ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये पत्तियां हैं, ये घंटी है, ये घंटी है, ये शंख है, ये कलश है, ये मतलब शुभ दिन जैसे बापरे अखिल तो बड़े बड़े छिन्ने बनाए रखो।
फल भी नहीं ना, तो फल बना रखो चाय। मतलब मैं तो सोचती हूँ मम्मी इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं दूसरे चौकी बना दूँ। सही बात है, दूसरी चौकी नहीं थी मेहनत कर लेते हैं। तो ये है मेरा ये कलर, ये कांसे की थाली है, कांसे की थाली है ना, इसमें दिया वो करते हैं कांसे की थाली में, मैंने शादी के दिन इसमें ज्योति बनाई थी। अच्छा, ये कलश ले भलो बना रखो, इस तो दिल हमने दी रखो एक एक सबन सबको दिया था है ना। भगवान शिला यहाँ भी ये पेंट करा हुआ है, देखिए प्लेट है, इसमें देवताओं को नहलाते हैं। नहीं कोयल में पीतल सबन में बना रखी नहीं जल्द। देखो हाँ। सब प्रकार की वैरायटी है। सही बात, ये है हमारा ये हमारा ये ताबा है, और ये हमारा ये इसमें करते हैं इसमें पीतल तांबा, पीतल नहीं है तांबा है, ये तांबे का है, ये कांसे का है, और ये भी तांबे का है, ये तांबे का है, और पीतल की है। उले जी कांसा तांबा तो जिले में मेहनत चद है। अरे नहीं चार वैरायटी है, चांदी और सोने का भी है, ज्यादा सोने तो वो तो चांदी सोना अपने आप आगे को बनाएंगे बच्चे। नहीं कांसा पीतल नहीं तांबा, तांबा कांसा तांबा और पीतल, पीतल की उधर बड़ी बात है। पर जो भी बनाए सबके सब बहुत अच्छे बनाए मम्मी ने, सही में इतनी मेहनत करना। हमारे पास की नहीं, गीता थोड़ी मंदिर साफ कर रही थी इसलिए मंदिर में चले गई। सही बात है यार, ये तो उम्र में तो काम करना बहुत ठुल बात चो है ना। और तो सुपले बनाए रखे जो अरे ये तो उल्लेख का दिन करना नो, ये तो मैंने भी बनाया मम्मी, पर इतने अच्छे फिनिशिंग नहीं है। इसको मारते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको मम्मी, धुनी आओ लक्ष्मी बैठो ना रहना, निकल भैया निकल निकल, ये कहते हैं। बहुत अच्छे बनाए, बहुत अच्छा लग गया, अच्छा लग गया। ये वाला वहाँ से मम्मी के मंदिर में नहा धो लिया, एकादशी का व्रत भी यार मंदिर में आई तो इतनी अच्छी खा ली है मम्मी ने, आरती उतार रहे नीचे। कल यहाँ पूजा हुई है ना मम्मी के घर में, हवन वगैरह हुआ है, सिंहाड़े में अच्छे चावल लगे हैं। शुभ परात, मम्मी के घर में आए तो क्यों ना सारी चीज़ों को हम अपने कैमरे में कैद कर लें, आगे साइड पे बनाएंगे नहीं, पीछे साइड में छोड़ा नहीं है। इतना अच्छा बनाया इस उम्र में, इतनी चीज़ें बनाना बहुत बढ़िया। कुछ कुछ डिजाइन मैं भी रखूँगी ताकि मैं भी बना सकूँ, इतनी अच्छी फिनिशिंग तो मेरी कभी नहीं आएगी, पर मम्मी ने बनाई थी अच्छी चीज़ें। और अति फल और ये थैली बना रखी, इन्ना ही शौर है कि मंदिर जो बन चलना जो कुकर ना मिलना ही धूंगी मम्मी। और भी बनाए अरब में आयुष्मान पंचपात्र सब चीजन में, तो ये है हमने लोगों का प्यारा सा अच्छा सा मंदिर जिसमें हमने सारे उत्तराखंड के हमारे लोग चीजें दिखाई है बनाई है दिखा मैं रही हूँ। मंदिर में देख सब बना रखे जी। तो गाइस मैंने सिस्टर का फ़ोन नहीं रखा और मैं चुपके से वीडियो बना रही हूँ, देख रही हूँ क्या करना चाह रही है, देखती हूँ ज़रा कुछ कर रही है यहाँ। मम्मी अच्छे बना रखे हैं सारी चीज़ें, बहुत ही बढ़िया बनाए, मंदिर में लगी हुई है तो मेहनत कर रही थी इनको, बहुत बाद बनाया नहीं रखते रहते हैं। सवेरे सवेरे उठ के सबको उठा के चाय पीने के बाद ये यहाँ मंदिर में बैठ गई है चीज़ें देखने की, मंदिर ने मम्मी ने यहाँ क्या क्या बना रखा है। मंदिर में ये इनको धो रही है आज, धोनी नहीं ये तो ये वाली धुलती नहीं है मम्मी अपने हिसाब से धोती है।
चुप रख दियो, वो तो मैं दिखाने से नहीं जल्दी क्यों नहीं रखोगे? कौन बना इतना टाइम लगाती है, एक घंटे से वेट कर रही हूँ मैं, आ जल्दी। गीता और आप जा रहे हैं छत में, और छत में जाने से पहले थोड़ी सी सैतानियाँ तो बनती हैं। सैतानियाँ कैसे बनती हैं मैं दिखाती हूँ। ये है दीदी का घर, तो यहाँ पर बेल बजा दी और चले जाते हैं छत में। बेल बजाने के बाद सीधे छत में आ गए हम। ये गुलहड़ का पेड़ तो साइड से इतना बड़ा, इधर कहाँ शिफ्ट हो गया ये, देखो है ना इतने छोटे में कितने लगे हैं अपराजित। वही तो ना, नंदमल ही तो अपराजित लग रहे हैं। यहाँ का पानी ऐसा होता है मुझे लग रहा है ना, जो कि मुझे लग रहा है अच्छा। तुम लोग कब आए? बेल किसने बजाई हमारी? एक तो तू एक बात बताऊंगी, था सोई हुई तेरे बिस्तर में चाय दी, 11 बजे तुझे चाय बनानी। नहीं रात, नहीं रात ही देर में चाय। बड़ी बहन है छोटी को देती है, कम कम साइड ले उसकी, जहाँ जैसी होती है वहाँ हो जाती है। तू भी बदतमीजों की भी हद होती है। ये क्या बताया? नहीं सुबह अगर तीन चाय होई मैं पत्ते सो समझ गई। हाँ हाँ बिन पैदे के लुटा कुकुर का के। अच्छा हुआ गीता मेरे साइड में बोल गई, अच्छा हुआ। शिवा और हम बेचारे इसको बोल दिया, इसको देखिए कैसे बैठा है। यार एक बात बताऊ मैं चंद्रा दीदी, कभी भी डॉगी को बांधना नहीं चाहिए, गलत बात है। नहीं यार वो पांव चाट जा रहा है, हमेशा कुत्तों के साइड में खिलाफ होती है, इसलिए करती है तेरे लिए। क्या कुत्तों के खिलाफ? तू उसको अच्छा नहीं मानती डॉग्स को? डॉग लवर होती तो ऐसा नहीं होता तेरे साथ। तो पसंद नहीं है तो पसंद करो। जिया जी सोए? जिया जी सो रखे होंगे ना, सोए हैं जिया जी? जिया जी तो सोए हैं, एसी वैसी चला के आराम से। तो हम तो टाइम से उठ गए, उठने का हमने सोचा क्या नहीं, नहीं। यहाँ भी केतन भी सोया हुआ है, केतन भी आराम से सोया हुआ है। और दीदी की, दीदी ने भी पूजा नहीं की मुझे लग रहा है, क्योंकि भी टाइम इतना हुआ नहीं है ना। तो यह है दीदी के मंदिर का रूम। तो भाई अब हम थोड़ी नीचे साइड चलते हैं, चाय तो मैं बनाई रही। क्या लग गई मोबाइल में? क्या नीचे मम्मी के घर में नहीं लगा मोबाइल में देखने का मन? लड़सी मतलब लड़नी थी यार, वाल कोई बात ना मुखो कहीं नहीं लगे ली, कहीं लगे मोबाइल में रत्ते रत्ते भी और काम करण से मोबाइल पे लगन से। ठीक है हमने व्रत है, ये बात तो तूने सही बोली। किस चीज का व्रत है? कौन सी एकादशी आज? यार ये तो तुम लोग करते हो मुझे नहीं पता। चंद्रा दीदी को पूछता है उसको पता है। दीदी कौन सी एकादशी है आज है? आपको पता है क्या? मम्मी से पूछेंगे, मम्मी को ही पता होगा। व्रत तो इन मैडम का नहीं है और हम सभी लोगों का, आज एकादशी का व्रत है। किसको देख रही है? ये गूगल डुमर उड़न लेती कट के रखो के कुछ नहीं पसंद बेटे चलते है जो। हां वैसे चंद्रा दीदी ने बोल दिया था पुत्रदा एकादशी है। चंद्रा दीदी मेरे को गिलास में देना, तो मैं भी थोड़ी बैठ जाती हूं। क्या मैं कशिन में बिछा नहीं थी तुम जा? ये एक बात मैं समझ ना आनी, गीता के पहाड़ भाषा नहीं होने वे। चल एक बात बताओ मुँह तक, एक का बात पूछूंगी था, एक बात बेली पूछी नैने मो गीता से, एक बात पूछूंगी था। जो हमा घरक चंद्रा तेने बतूना ना, जो हमा घरक पछिन तरह अपना नो नन बैठू ना उछ की कही जा। जो हमा घरक
पछिंद्रा पुहन। अरे पाछा पाखा तेल में जो पान गिरा ननू नन बैठू पाखा पछिन तरफ बंधार बंधार ने जो बैठ जा सुने जब से पान ले ये तो पेटली ने कब देश बैठे यार से तो एक चीज बेल पे ते का तो पत्तू नहीं हो जंदा कोई बात नहीं रून दे आपका ये और से पूछना पड़ो बाण कैसा गुनन तू हाँ तू मेरे खेत जन चोरी है उसका गुनन बाण हाँ सही बात बाण बाण हली बाण सा गुनन इच्छा जो तू खेत से पहुंचे मेरे खुद जन चोरी है इच्छा गुनन क्वेश्चन मार्क ओड़ 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 हाँ वो जो मतलब मेरे खेत तू चोरिया जन का तेरे को नहीं आता 500 रुपए का नोट अभी का भी मिलेगा अगर तूने बता दे नहीं इसको इसके लिए का नोट दिखा लेगा ये देख ले सामने उसको क्या बोल रही है बताने की क्या बात है उसमें तू बता करियाड़ बोलते हैं उसको करियाड़ एलूल बता चुप कहाँ बोला जो इसको पूछा इसको कभी नहीं आया इसको मैं अब ऐसे पकड़ूंगी क्या कहा रही है बचपन में थी तो बचपन में भी थी तो पहाड़ी तो पहाड़ी है ना कहीं नहीं बोल कर यार पड़े यार वर्ड माय गॉड वर्ड तो अब हम करियाड़ बोलते हैं उसको गीता मैडम ने भी नहा लिया नहा के कपड़े धोने लगे क्या देख रहे गुर गुर के कपड़े धोए इतने मैं कह रही थी वो खेत में जाए क्या सही में एक मिनट बहुत सालों बाद मतलब यार मशीन से रोते आजकल हाथ में स्वेलिंग हो जाती है ना मोटापा कम कर मोटापा तो नहीं है इतना और मम्मी मंदिरों में गंगा जल छिड़कते हुए मम्मी का देखो ये भी कलश बनाया मम्मी ने पापा की हो रही है पूजा बहू रानी की बन रही है भिंडी की सब्जी और रोटी रोज कर्पूर हाथ जोड़ो करुणा संसार मुझगेंद्र सदा वसंत पवन सैतम गीता मैडम बना रही है नाश्ता नाश्ते में बनी है रोटी पूरी सब्जी सब्जी बनाई थी बहू रानी ने रोटी छुट्टी ना मंगा रहे हो यू मंगा रहे हो बच्चों का हो रहा है नाश्ता क्या नाश्ता कर क्या हुआ रुद्राजा इधर आजा विशाल मेगा मार्ट हल्द्वानी विशाल में आए हैं हल्द्वानी शॉपिंग करने हमने सोचा हल्द्वानी आए हैं तो क्यों ना थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग की जाए तो शॉपिंग करने जैसे आए थे मुझे तो ज़्यादा तो कुछ नहीं कुर्ते पसंद आए कुर्ते काफ़ी अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर कहाँ गए गायब हो गए दोनों बहनें मेरी तो मुझे एक ये काफ़ी पसंद आया ये देखो देख गीता हाथ में पकड़ लेकिन ये तेरे पास है मेरे पास तो सभी होते हैं कैसा लग रहा है जॉइंट है जॉइंट है ना अंदर का अलग होगा ना हाँ ले लूँ मैं चेंज कराए ऐसा लग रहा है समझ नहीं आ रहा है मैंने रुद्र लो बोलो थैंक यू बोलो मौसी को थैंक यू पकड़ो बस पकड़ो तो थोड़ी बहुत कर लो हमने पर बड़ा ही कंफ्यूजन वाला मामला है रेट देखिए रुद्र तूने क्या लिया तूने भी कुछ लिया सबके अलग अलग शॉपिंग चल रही है
उस साइड में जाग रही थी और दीदी हैं। डब्बे वब्बे तो बड़े अच्छे अच्छे हैं, पर यहाँ से हम नोएडा कहाँ ले जाएंगे, है ना। वैसे ये हैं बड़े अच्छे, पर 399 में काफ़ी अच्छे हैं ये वाले, और ये 99 के हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। जितना हम ले जा सकते हैं उतना तो हम ले जाएंगे। हैं बहुत अच्छे ना ये वाले भी, मुझे इसमें टायर लग गए जो और रखो अच्छा बहुत ही बढ़िया। ये वाले गमले ले रहे हैं, दो तेरे हैं, दो मेरे हैं ना। नहीं तू ये वाला नहीं ले रही ना, ये नहीं फ्लावर, ये खाली 79 का है, मुझे काफी अच्छा लगा। बहुत बढ़िया लग रहा है, गमले तो अच्छे ले लिए हमने। शॉपिंग तो हमारी ठीक ठाक हो गई है, अच्छी मात्रा में हो ही रही है। सामान दीदी कह रही है पेड़ तुम्हारे वहां से लेकर लगा के ले। अच्छे नहीं है, कैसे इसमें नहीं नहीं ये तो ये मेरे, ये दो मेरे, ये वाले दो मेरे, दो ये वाले। दीदी लोगों ने टाइट टाइट फिक्स कर दी। मॉल में आते ही बड़ा झटका लग गया, मॉल में आते ही बहुत बड़ा झटका लगा। दीदी की आंखों में डिफेक्ट, मॉल आते ही नुकसान हो चुका है एक। मॉल आने के बाद बहुत बड़ा नुकसान हो गया दीदी को। सामान तो काफी अच्छा है, पर हमें समझ नहीं आ रहा हम लेके जाएं और क्या नहीं लेके जाएं। ये वाले कौन से कितने अच्छे हैं, यहाँ तो ले जाने वाला हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें तो दिल्ली के लिए ले जाना है, ये सब ले जाना। यहाँ पर इन लोगों का डिस्कस चल रहा है, चल कह रहे हैं मालूम नहीं। ले लिया सामान हमारा, शाल खाए थे हलवा ने शॉपिंग करने, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली, क्योंकि आज मैं खाना वाला कुछ खाने लगा किसी कब रहे थे कितना शॉपिंग करने रहे, इसलिए शॉपिंग थोड़ी बहुत कर ली। अब ले रहे हैं यहाँ से ऑटो, फिर से आने के बाद हिसाब किताब होने लग गया यहाँ पर। इस तरह से सामान है, ये चंद्रा दीदी का है। मेरे नहीं, कौन से पॉट्स? हाँ ये पॉट्स दो मेरे हैं, बाकी गमले बाकी छह तेरे हैं। मेरा ही है, इतना है मेरा हिसाब लगा लिया, अभी मैं बता रही हूँ। ये तो अच्छा है, नैपकिन इसके चंद्रा दीदी का है, सबसे पहले मेरा ये बास्केट सी का है चंद्रा दीदी का, ठीक है लिखा हुआ है सेट ऑफ टू ग्रे किसके क्या है, शीला का शैम्पू मेरा नहीं है, मेरा है ना, तो वो मेरा नाम डाल रही है। अरे नहीं, सी लिख दी है मैंने इसमें। निंजा कॉम्बो मेरा है, चंद्र दीदी का है, नूडल्स गीता का मेरा है, नोटबुक मेरा है, नोटबुक मेरा है, पैंपर्स हमारा। मार्केट के आने के बाद हिसाब किताब जा रही है। मेरा आनंदा रखो, ये गीता का है ब्लैक टी शर्ट, टावल किसका है, छोटा वाला नहीं, टावल मेरा है, तीन है मेरे, तीन ये दो ही है, अभी एक का हिसाब है, दूसरे का मत रखना अभी। मैडम कोई 10-10 रुपए का सामान भी है इसमें, लाबा सूट 8-10 नीची लगा है, टी शर्ट पिंक सी चला दी, बाट टावल ये किसका, मेरा मैं पहनती हूँ उसको। तो यशु के लिए है ना, अच्छा है, अच्छा राखी का, ये बाट टावल शीला का है, और बॉय टी शर्ट 4-6 ये कुछ शीला का है, कुर्ता पी ये चंद्र दीदी का है, शीला का है, कहाँ है लेकिन ये है ना, एल बिल बेबी क्या बोला तूने, एल कुछ 4-6 ही है ना, ये भी है मतलब 500 रुपए की, 5 बाप रे 99 के दो तो महंगे हुए यार। चलो गमले तो काफी आ गए, चंद्रा दीदी में पेड़ लगाएगी। ग्रे कलर कौन सा होता है, ग्रे तुझे इतना पता नहीं है कौन से स्कूल में पढ़ी, हाँ ग्रे ये मेरा है, मेरा है, हाथ दिखाएगी मेरे को तो आप बदतमीज, गीता वो व्हाइट और ग्रे मेरा है दोनों, प्लीज मेरा आओ मुझे पता है।
ये तेरे को कहाँ से आएगा सीधा? किले तो मैं तो हम मेरे यहाँ पे तेल से था। ये मैंने लिया है, ये स्टार्टिंग में ले लिया था जब मैंने तेरे को बोला ना मैंने इतने इतने के लिए। अच्छा तो मैंने ये लिए थे। ठीक कह रही हो, जबरदस्ती इतने इतने के लिए, कितने कितने के लिए। फलाहार बहुत कम खा रही है। दूसरे की थाली में ऐसे ही दिखता है कि अपनी थाली मजा ही आएगा फिर मम्मी के घर में, मजा नहीं आएगा तो कहाँ आएगा। मम्मी चटनी साइड में दे दो, इसके ऊपर डाल दो। बन चुका है हमारा गर्मा गर्म, तो फटाफट से फिलहाल खा लेते हैं।